गुरी बेटा कल तुझे पेंसिल लेनी थी ना। हाँ पापा। ये लो पैसे, अपने लिए अच्छी सी पेंसिल ले लेना, ठीक है? और बेटा ये 100 रुपए तुम्हारे खिलौने के लिए, ठीक है? अच्छा सा खिलौना लाना। अब तो बाप बेटी में बड़ा ही प्यार आ रहा है, अभी देखती हूँ। ये क्या कर रहे हो जी आप? अरे वो कल इसने पेंसिल लेनी थी तो इसके लिए इसको पैसे दे दिए, बाजार से ले लीजिए, स्कूल में जाओगी। आपको पता भी है गोरी अभी बच्ची है, जो इससे पैसे खो गए तो। अब बात तो ये भी सही है, लो तुम भी तो इसकी माँ हो, तुम इसके लिए अच्छा सा खिलौना और पेंसिल ला के दे देना बाजार से, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। बहुत पढ़ ली खड़ी हो और मेरे लिए गिलास पानी ला पीने का, चल। अब खड़ी खड़ी मुझे देखती रहेगी क्या? चल काम कर घर का सारा। माँ कर कोई भूख लग रही बेटा, तू बैठ एक मिनट और मैं तेरे लिए अभी खाने के लिए लाती हूँ कुछ। एक बेटा तुझे केले बहुत पसंद है ना, तेरे लिए केले लेके आई हूँ। जब ये भूख लगे जब मेरा बेटा खाने बैठा है, ले ला पकड़ चल। बिन माता की बेटी के रे कौन रे लाडी लड़ावेगा, भूखी प्यासी रहे बेचारी कौन रे तूक खुआवेगा। रुचि। हाँ जी आ गया। आ गया यार, जल्दी से खाना ले आ, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से ले आ। लो जी खाना। रुकिए। कौन? आपकी पत्नी संगीता। संगीता तुम तो मर चुकी थी। मर जरूर नहीं थी, लेकिन मैं रहती आपके गोरी के पास ही हूँ। आप अपना वादा भूल गए? कैसा वादा संगीता, मैं कुछ समझा नहीं। आपने मुझे मरते वक्त वादा किया था कि आप मेरी बेटी गोरी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखोगे, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? संगीता तेरे जाने के बाद हमेशा मुझे उसको माँ वाला प्यार दिया, और मैंने कभी उसको ऐसी कमी नहीं खलने दी जिससे कि उसको ऐसा लगे कि माँ का प्यार नहीं मिल रहा। और तो और उसकी रुचि माँ जो नई माँ है वो भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। रुचि? रुचि का तो बिल्कुल भी नाम लो, क्या बताया तुम्हें आज? संगीता मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था मेरे पीछे गोरी के साथ क्या होता है, मुझे माफ कर दे संगीता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी गोरी को खाना खिला दो। रुचि। हाँ जी। क्या हुआ जी? तूने आज मेरी बेटी को भूखी रखा, मैं एक अच्छा बाप तो नहीं बन पाया, लेकिन तूने भी साबित कर दिया तू एक माँ नहीं तू एक डायन है। तेरे अंदर की माँ की ममता कहाँ चली गई थी? माफ कर दो जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने गोरी को आज भूखा रखा। अब माफी के लिए रह ही क्या गया है? संगीता मुझे माफ कर दे,
मैं एक आज अच्छा पति और अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैंने तेरी बेटी को भूखी मारा। क्या इसलिए करते हैं लोग बाग दूसरी शादी संगीता? मुझे माफ कर दे। दोस्तों, ये वीडियो आपको एक चीज सिखाती है, नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम घर पर भी दिया करो। बच्चों से पूछो कोई दिक्कत तो नहीं है, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नमस्कार।